Myself Sanjay Rathi, XIES. इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एनालॉग, राइट? तो हम इसे जानते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से. तो हम स्टार्ट करेंगे. दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्री ब्रांचेस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन. गेट का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम 8 to 10 मार्क्स, और कभी कभार 8 उससे भी ज़्यादा आते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, आई एम हैविंग 18 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड PSUs. आई हैव क्वालिफाइड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 3 times इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच. आई वर्कड एज डिप्यूटी डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ पावर, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन unacademy.com @SanjayKRRathi27, जिसका लिंक यहाँ नीचे दिया हुआ है. आप मेरी क्लासेस वॉच कर सकते हैं ऑन Unacademy Plus. आपका क्वेश्चन होगा why plus subscription? तो यहां देखिए, 1 subscription पर मिलेंगे आपको अनलिमिटेड एक्सेस. मेरी क्लास के साथ साथ आप जितनी भी एक्सपीरियंस्ड एंड बेस्ट फैकल्टी है फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, वो एक प्लेटफॉर्म पर अभी अवेलेबल है. तो आप उन्हें वॉच कर सकते हैं. टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे टू इंक्रीज योर स्कोर. दिस टिप्स एंड ट्रिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आनी चाहिए फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स. तो यहाँ जितनी भी फैकल्टी हैं, दे ऑल आर हाईली क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड, राइट? तो यहाँ आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज बाय द टॉप एडुकेटर्स. ये भी होता है जो टेस्ट सीरीज से आपका जजमेंट किया जाता है कि आप कितने पानी में हैं. लेकिन अगर टेस्ट पेपर का स्टैंडर्ड नहीं है तो बताइए जजमेंट सही होगा या गलत होगा. तो टेस्ट सीरीज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये डिजाइन होना चाहिए बाय एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड फैकल्टीज, राइट? ताकि आपका सही फीडबैक मिल सके आपको. डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, डाउनलोडेबल सेशंस, वीडियोस एंड PDFs, एंड रियल टाइम इंटरेक्शन विद द एडुकेटर्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. जब आप Unacademy Plus पर क्लास करेंगे तो आपका रियल टाइम में इंटरेक्शन होगा. आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, टीचर्स के साथ चैट कर सकते हैं, राइट? आप अपनी बात बता सकते हैं. तो यहां आपको लगेगा जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास में हैं, राइट? तो ये है. अगर आप प्लान कर रहे हैं Unacademy Plus ज्वाइन करने का, तो आप यूज कीजिए माई कोड दैट इज राठी लाइव एंड गेट द 10% डिस्काउंट. ये हैं फैकल्टी मेंबर्स जो ऑलरेडी Unacademy प्लेटफॉर्म पर हैं. इन सभी की क्लासेस आप देख सकते हैं. नाउ इट इज द इजिएस्ट वे टू लर्न गेट ऑनलाइन. जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर से स्टार्ट करते हैं गेट की, अब उन्हें मेट्रोज में जाने की जरूरत नहीं है, बेस्ट फैकल्टीज तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, राइट? थ्रू ऑनलाइन आप उसे अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर वॉच कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आप है बेस्ट वे. अगर आप इसे लैपटॉप पर वॉच करते हैं तो आपको दिखाई देंगे यहाँ एडुकेटर, यहाँ होता है कंटेंट, और यहाँ होगा लाइव चैटिंग जैसा कि मैंने पहले बताया था. इंटरैक्टिव पोल्स होंगे, लर्न एनी टाइम एंड एनीवेयर, राइट? आपको कुछ भी एक्सपीरियंस करना है तो आप Unacademy Plus ऐप मोबाइल पर डाउनलोड कीजिए या लैपटॉप पर ओपन कीजिए. उसके बाद इसका लाइव एक्सपीरियंस लीजिए थ्रू स्पेशल क्लासेस. दीज क्लासेस आर डेमो क्लासेस. गेट सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल फॉर 1 month, 3 months, 6 months, 12 months एंड 24 months. तो वेरिएबल प्लान्स हैं, राइट? मैं रिकमेंड करूंगा 24 months का प्लान, राइट? 24 months का प्लान उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए. तो जहां से भी आप ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग दैट इज कंडक्टेड बाई IIT एंड ISC, तो इसका एक स्टैंडर्ड है. 4 साल की पूरा जितना भी आपने BTech में सिलेबस किया है, वो पूरा का पूरा सिलेबस गेट के एग्जाम में आता है. तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता कि आप एक दिन में ही सब कुछ सीख जाओ. इट विल टेक टाइम. तो 1.5 से 2 साल लगते हैं, राइट? जिसने भी जीरो से स्टार्ट किया है. तो आप अगर अभी से स्टार्ट करते हैं तो 1.5 से 2 साल में आपकी कमांड हो जाएगी. तो इसकी फी स्ट्रक्चर है 40,000 फॉर 2 ईयर. यूज माई कोड दैट इज द राठी लाइव एंड द फी विल बी 36,000 रुपीज ओनली.
अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन की बात है, मतलब आपको लगेगा कि सर ये सब बातें क्यों हैं, यस, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, फॉर टू ईयर्स इट विल कॉस्ट अराउंड 50 रुपीज़ पर डे और लेस देन दैट, ओके। तो इतना इजी है, इसको आप प्रिपरेशन करना। तो ये है फी स्ट्रक्चर। देन अगर आप इसे वन ईयर के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, दैट इज फॉर 12 मंथ्स। द फी इज ओनली 25,000। अगेन यूज माई कोड राठी लाइव एंड गेट द 10% डिस्काउंट। तो आप यहां भी देख सकते हैं, फी इज देन ओनली 22,500 रुपी। अगर आप इसे मोबाइल पर वॉच करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, देन उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए गेट, ओके। तो यहां वन सब्सक्रिप्शन पर आपको मिलेंगे सभी सब्जेक्ट्स के बेस्ट फैकल्टीज। अगेन द फी स्ट्रक्चर इज सेम, इट इज अवेलेबल फॉर 1 month, 3 months, 6 months, 12 months एंड 24 months। Use my code, that is Rathi Live, and the fee is only 36,000 for 2 year. Start karte hain aaj ka hamara one of the very important topic, that is analog with syllabus. It is my first class for analog. To dekhe, gate ke liye pehli baat to aap dhyan rakhega, jo bhi gate ki preparation kar raha hai, abhi 3 mahine bache hue hain, November, December and January. Aapko lagega November, December aur January mein kya ye possible hai निकालना, अगर आपकी तैयारी थोड़ी बेसिक हो चुकी है तो पॉसिबल है, अगर आपने बिल्कुल भी कुछ भी तैयार नहीं किया है, सेमेस्टर तो दिया ही होगा, ठीक है ना, तो सिलेबस तो थोड़ी जानकारी होगी, अभी भी आप अगर स्टार्ट करते हैं राइट, तो भी आप 3 महीने में टॉप कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। गिव अप मत कीजिए, क्विट मत कीजिए, बस आप ये मत सोचिए कि ये नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है, इज इट पॉसिबल। हम एग्जाम ओरिएंटेड क्लास चला रहे हैं यहाँ, आपको बात समझ में आएगी और आपका एग्जाम निकलेगा, ओके। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसको मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर जाऊंगा, जीरो से लेकर जाऊंगा, और टॉप लेवल के हर क्वेश्चन हम इस फोरम पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, तो हमारा सिलेबस है पहला, देखो एनालॉग के सिलेबस में जो मैंने ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया है, डायोड सर्किट्स, डायोड सर्किट्स में हम लोग कवर करते हैं रेक्टिफायर्स, फिल्टर्स, क्लिपर, क्लैम्पर, वोल्टेज डबलर, राइट, देन वोल्टेज रेगुलेटर, ओके। वोल्टेज रेगुलेटर भी बड़ा डिटेल में होगा, वहां पर होता है सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, शंट वोल्टेज रेगुलेटर बाय व्हाट, जेनर डायोड, एंड देन व्हाट, वोल्टेज रेगुलेटर विद ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये सब टॉपिक्स आते हैं अंडर डायोड सर्किट्स, तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ डायोड। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीजेटी, यस, बीजेटी में हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, और फिर एनालॉग में आता है एम्पलीफायर बेस्ड ऑन व्हाट, बीजेटी। सिमिलरली एफईटी, एफईटी है जेफैट, दैट इज जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ईमॉस, डीमॉस। डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक समझने के बाद इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाएंगे एफईटी पर, उसकी बाइसिंग समझेंगे, डीसी बाइसिंग, उसके बाद उसकी एसी एनालिसिस करेंगे, दैट इज कॉल्ड लार्ज सिग्नल एनालिसिस एंड स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। दिस टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जाम। देन यहां हम और का एक टॉपिक कवर करेंगे जो अभी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट इज फ्रॉम सी मॉस। फिर एम्पलीफायर्स में हम करेंगे लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ बीजेटी, then low frequency and high frequency analysis of what, FET, right? Train थोड़ा चेंज हो रहा है, कभी 50% BJT से क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी आपका MOSFET से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें दोनों को अच्छे से समझना है ताकि हमसे कोई क्वेश्चन ना छूट जाए। These topics again important for both branch electrical electronics as well as what, instrumentation। Then आता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं RC coupled amplifiers के बारे में, right? RC कपल्ड के बाद में हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर, और भी हम देखते हैं आपका एमिटर कपल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर।
तो यहाँ आप वीडियो में बने रहिए साथ में, आज से ही हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द डायोड सर्किट। देन नेक्स्ट इसके बाद हम लोग लेंगे फीडबैक एम्पलीफायर्स, ऑसिलेटर्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वेव फॉर्म जनरेटर्स। तो यहां हम लोग कवर करेंगे फीडबैक एम्पलीफायर्स में फोर टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट सीरीज एंड करंट शंट। इस पर हम पूरा डिटेल में जाएंगे कैसे एक फिगर में से समझा जाता है कि वोल्टेज सीरीज क्या है, वोल्टेज शंट क्या है, करंट सीरीज क्या है, करंट शंट क्या है। हम सभी टॉपिक्स पे ऑलमोस्ट 10 to 20 न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं, और 10 to 20 न्यूमेरिकल्स वो न्यूमेरिकल्स जो आपके दिमाग में डाउट क्रिएट करते हैं, राइट। तो आप देखेंगे कैसे होते हैं क्वेश्चन सॉल्व। फिर हम देखेंगे इसमें ऑसिलेटर, दैट इज दीज आर द साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स। साइनोसॉइडल में हम देखेंगे आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, विन ब्रिज ऑसिलेटर, उन पर बनाएंगे न्यूमेरिकल्स। फिर हम देखेंगे हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, दैट इज हार्टले, कॉलपिट, राइट, क्लैप ऑसिलेटर्स, ओके, एंड देन व्हाट, क्रिस्टल ऑसिलेटर्स। इन पर हम प्रॉपर न्यूमेरिकल बनाएंगे। फिर आता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट, राइट, इसरो। इसरो का भी एग्जाम है आपका, जुलाई में है, 12 जुलाई को है, राइट, तो सॉरी जनवरी, नॉट जुलाई, इन जनवरी। तो जनवरी में जो आपका एग्जाम है, तो वो इसरो के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनमें से क्वेश्चंस आना ही आना है। उसके बाद देखेंगे जो आपका गेट और इसरो और इंजीनियरिंग सर्विसेज, तीनों एग्जाम आ रहे हैं जनवरी एंड फरवरी में, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वेव फॉर्म जनरेटर्स। वेव फॉर्म जनरेटर्स में हम देखते हैं बायस्टेबल, मोनोस्टेबल एंड अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, राइट। तो बायस्टेबल आपने नाम सुना होगा, सिमेट्रिकर पढ़ते हैं, मोनोस्टेबल मतलब डिले एलिमेंट, और अस्टेबल मीन्स स्क्वायर वेव जनरेटर। ये टॉपिक्स हम डिटेल में कवर करेंगे, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपका इसरो के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में, राइट। तो आप पेपर देख सकते हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छे से इन टॉपिक्स को, इन टॉपिक्स को। लेकिन हमें बनाना होगा पहला बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, देन बाय यूजिंग 555 टाइमर, एंड देन बाय यूजिंग बीजेटी। तो तीनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, कुछ भी रटना नहीं होगा आपको, राइट, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा यहाँ। देन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट, लीनियर वेव शेपिंग सर्किट, हाई पास आरसी सर्किट एंड व्हाट, लो पास आरसी सर्किट। हाई पास आरसी, लो पास आरसी, दीज टू टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर इंटीग्रेटर समझना है, आपको अगर डिफरेंशिएटर समझना है, राइट, इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर अगर प्रॉपर आपको कमांड करनी है, तो पहले इन टॉपिक्स पे कमांड करो, लीनियर वेव शेपिंग, हाई पास आरसी एंड लो पास आरसी सर्किट। एक बार आपको ये समझ में आ गया पैसिव एलिमेंट, सिंपल हाई आर एंड सी लगा हुआ है, अगर आपने इसकी एडवांटेज समझ लिया, लिमिटेशन समझ लीजिए, तो आपको जब इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर ऑपएम्प से बनाएंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आप क्लिक कर लोगे, और आप आराम से बना पाओगे, ठीक है ना। तो ये है, अब इस पे बुक्स क्या रेफर करनी चाहिए, डेफिनेटली कुछ भी डाउट्स आता है तो हमारे पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप बुक रेफर करने की बात करते हैं, तो इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट इज मिलमैन हेल्कियास, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बुक। नंबर ऑफ टॉपिक्स इस पे कवर होंगे, मैं अभी बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक आप इससे रेफर कर सकते हैं। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, दैट इज सेड्रा एंड स्मिथ, राइट, आप फिफ्थ एडमिशन एडिशन ले सकते हैं, सिक्स एडिशन रेफर कर सकते हैं, राइट, ये है सेड्रा एंड स्मिथ। दीज टू बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनालॉग, मैं अभी डीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एनालॉग की बात कर रहा हूँ। तीसरी बुक यूज होती है पल्स डिजिटल एंड स्विचिंग वेव फॉर्म्स, दैट इज मिलमैन एंड टॉब, ओके। तो ये तीन बुक है, मोर देन सफिशियंट, राइट, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, गेट, ओके, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तीन ब्रांच, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रीवियस ईयर। 15-20-30 साल तक जाने की जरूरत नहीं है, मात्र आप 10 साल का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए। अगर अभी 2019 चल रहा है, तो आप 2009 से लेकर अगर 2019 तक भी बना लें, मोर देन सफिशियंट होता है, राइट। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, आपका सब डर हटाने वाला हूँ यहाँ पर। तो ये है मिलमैन एंड टॉब, तो ये तीन बुक्स। अब क्या होता है, आपको बुक्स तो किसी ने बता दिया ये बुक रेफर करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना है, कौन कौन से टॉपिक किस किस बुक से पढ़ना है, राइट, तो वो है इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ देखिएगा,
फ्रॉम मिलमैन हेल्थकेयर आपको देखना है डायोड सर्किट दैट इज रेक्टिफायर क्लीपर क्लैम्पर, इनके हम न्यूमेरिकल्स यहाँ इस फोरम में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, टेक्स्ट बुक से भी न्यूमेरिकल पूरे डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के भी डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चन से ही आप समझ जाओगे, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ है डायोड सर्किट, राइट, वोल्टेज रेगुलेटर भी हम इस टॉपिक से पढ़िए, वोल्टेज रेगुलेटर के 10 क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व कर लीजिए, बाहर से नहीं आता। फिर आप बीजेटी देखिए, बीजेटी पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स, पूरे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब कुछ इसी बुक में कवर हो जाता है। फिर है एम्पलीफायर्स दैट इज अ लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस हाई फ्रिक्वेंसी एनालिसिस ऑफ बीजेटी, दीज टू टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मिलमैन हेल्थकेयर में बहुत ही सिंपल तरीके से इसे समझाया है, आप अगर देखिए थ्योरी और कंसेप्ट यहाँ बन जाएगा, साथ में आप उसके क्वेश्चंस बनाइए जो उसके बैक साइड में दिए हुए हैं। क्वेश्चन एक एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ मैं, एज इट इज रिपीट होते हैं सेम कंसेप्ट के साथ। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है, फीडबैक एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर, इतने टॉपिक्स के लिए आप पूरा इस बुक पर भरोसा कर सकते हो। ओके, देन सेट्रन स्मिथ में हमको देखना है दो टॉपिक्स बहुत ही अच्छे सिस्टमैटिक ढंग से दिया हुआ है, एक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दूसरा है एफईटी दैट इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, राइट। मॉस्फेट के अगर पूरे कंसेप्ट आपको समझना है बहुत अच्छे तरीके से, तो आप सेट्रन स्मिथ से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ओके, और फिर डेप्थ में जाना है तो आप क्लासेस अटेंड कीजिए और देखिए क्या है ये। तो देखते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो क्वेश्चंस के जिस तरीके से अभी लेवल धीरे धीरे आते चला जा रहा है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इस बुक को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक, आप पूरा नोट्स पर भी डिपेंड होइए, नोट्स देखिए आप, कमांड कीजिए, राइट। नंबर ऑफ बुक्स का आपने नाम सुना होगा अभी ऑप एम्प पे, और आप बोलेंगे तो गायकवाड़ की बुक आती है, पूरी एक ऑप एम्प पर ही डेडिकेटेड है। ओके, लेकिन उतना टाइम हमारे पास होता नहीं है, वैसे भी अभी अगर जो तैयारी चालू कर रहा है उनके पास 3 मंथ्स है, नवंबर दिसंबर एंड व्हाट जनवरी। स्मार्टली वर्क करना होगा, सेलेक्टेड स्टडी करनी होगी, और सेलेक्टेड और स्मार्टली वर्क अगर आपने किया तो आप यकीन मानिए इन 3 महीनों में भी आप टॉप कर सकते हैं, फर्स्ट आ सकते हैं इस एग्जाम में। देन वेवफॉर्म जनरेटर्स के अंदर 3 टॉपिक्स हैं दैट इज मल्टी वाइब्रेटर बायस्टेबल एस्टेबल एंड मोनो स्टेबल। इनमें से जो क्वेश्चंस आते हैं ना सिमेट्रिकर्स वगैरह पर, तो कोई एक पर्टिकुलर बुक आप रेफर नहीं कर सकते कि कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, उन सब क्वेश्चंस को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। एक एक क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, कैसे आ रहा है, क्यों बन रहा है, क्यों ये चीज़ें अलग रही हैं, कैपेसिटर अगर इधर लगा है तो क्यों लगा हुआ है, रजिस्टर की वैल्यू अगर ओम में है तो क्यों है, किलो ओम में है तो क्यों किलो ओम में है, ये सब कुछ यहाँ डिस्कस होगा। बाय स्टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिमेट्री का डिस्कस होगा, एस्टेबल में स्क्वायर वेव जनरेटर डिस्कस होगा, ट्रायंगुलर वेव जनरेटर डिस्कस होगा, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में डिले एलिमेंट डिस्कस होगा, पल्स स्ट्रेचर सर्किट भी डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर, न्यूमेरिकल बनाएंगे। ओके, उसके बाद आप देखिएगा जो मैंने कहा था लीनियर वेव शेपिंग सर्किट, लीनियर वेव शेपिंग सर्किट में 2 टॉपिक्स हैं, हाई पास आरसी सर्किट एंड लो पास आरसी सर्किट, इसके लिए आप बुक रेफर कर सकते हैं पल्स डिजिटल एंड स्विचिंग सर्किट और दैट इज पल्स डिजिटल एंड स्विचिंग वेव फॉर्म मिलमैन एंड टॉब, राइट। दिस बुक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर क्लिपर एंड क्लैम्पर ऑल्सो, ठीक है ना। क्लिपर एंड क्लैम्पर का भी अगर कंसेप्ट देखोगे तो भी आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व न्यूमेरिकल्स वहां से बना सकते हो, अदरवाइज ये 2 टॉपिक के लिए आप बुक रेफर कर सकते हो। तो आपको 3 बुक देखनी है, मिलमैन हेल्थकेयर, राइट, सेड्रन स्मिथ, ओके, तीसरी बुक है जो वो मैंने कहा मिलमैन एंड टॉब। अब प्रैक्टिकल बात आपको बता दूं, बुक बता दूंगा, बुक आप परचेज भी करके ले आओगे और आप रख भी लोगे, राइट। अभी मैं आपको बुक की साइज दिखाता हूं तो आप देखेंगे बुक को अगर तीनों को यहां रख देना तो इतनी बड़ी आ जाएगी बुक्स, उसके वजन से ही आप दब जाओगे, मतलब पहले ही देखोगे और पहले ही फिट कर जाओगे, हमसे नहीं हो पाएगा। फिर मैंने कहा था ना, जैसा पहले वीडियो में बताया, मैं ही करूंगा, मैं ही कर सकता हूं, ये बात ध्यान रखिएगा। एकला चलो, एकला चलो का मतलब है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कहा है ना, एकला चलो मतलब आपको एग्जाम अकेले देना है, आपके साथ कोई नहीं जाने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहां देखते हैं वेव फॉर्म दैट इज द ये पल्स डिजिटल एंड स्विचिंग सर्किट की हमारी बात हो गई। इतनी बुक्स को हम एक साथ शॉर्ट ड्यूरेशन में रेफर नहीं कर सकते, यही मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं कि किस बुक से कौन से न्यूमेरिकल बनाने हैं,
बस आपको सेलेक्टेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, राइट। उन अगर सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स को आपने ढंग से सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन बाहर से नहीं आते, क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, उन्हीं में डेटा घुमाएगा, उन्हीं टॉपिक्स को घुमाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड बुक फॉलो कीजिए और स्टैंडर्ड बुक के कम से कम सॉल्व और अनसॉल्व सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करना होगा, ओके। तो ये है इसके बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज मैं आपको पूरा बेसिक बताऊंगा अबाउट द डायोड। डायोड पर बेस्ड जो होते हैं वो है पूरा रेक्टिफायर, क्लिपर, क्लैंपर, वोल्टेज डबलर। इलेक्ट्रिकल वालों को पता है दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का तो है ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एनालॉग, राइट। और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, उनको भी पता है कि इससे जो क्वेश्चन आते हैं काफ़ी ट्रिकी होते हैं, अगर बने तो शॉर्ट टाइम में ही बन जाएंगे, और नहीं बने तो आपकी ईगो को हर्ट करेंगे और आपका टाइम किल कर देंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, किसी भी हर क्वेश्चन का बोलता नहीं है लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से आपको अफेक्ट जरूर करता है, राइट। तो हम देखते हैं कि उन क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है हमें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद डायोड। ओके, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं पीएन जंक्शन। डायोड का सिंबल क्या है? दैट इज द सिंबल, दिस इज द पी टाइप, दिस इज एन टाइप, ये है पीएन जंक्शन। ओके, यहां करंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पी टू एन। तो ये जो एरो दिखा रहा है ये पी से एन की तरफ करंट जा रहा है, और ये जो लगे हुए हैं लीड, ये है एनोड एंड कैथोड। ये लीड लगी हुई है, दिस इज एनोड एंड कैथोड, और ये है पीएन जंक्शन। देन अगर एक्चुअल इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो ये है इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज द ब्रेकडाउन, दिस इज द कट इन वी गामा, ये है ड्रॉप अक्रॉस द डायोड एंड दैट इज द करेंट थ्रू द डायोड। ये है एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और इस तरीके से हम देखते हैं तो डायोड इज अ नॉन लीनियर डिवाइस। व्हाट इज द डायोड? डायोड इज अ नॉन लीनियर डिवाइस। लेकिन आपने जितने भी आज तक न्यूमेरिकल्स बनाए, राइट, कुछ को छोड़ दें, ज्यादातर आपने लीनियर डिवाइस मानकर बनाए हैं। आपने सुपर पोजिशन लगाया है, जबकि सुपर पोजिशन थ्योरम वहां लगती है जहां डिवाइस क्या होती है? लीनियर होती है। तो हम लोग लीनियर कैसे एज्यूम करते हैं, सबसे पहले हमें यह समझना है। और उसमें भी दो सिग्नल, एक लार्ज सिग्नल और एक व्हाट? स्मॉल सिग्नल। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, धीरे धीरे आपको क्लियर होंगी, बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही सिंपल चीजें हैं ये। तो देखिए, ये डायोड है, यहां पर वी जेड, यहां वी गामा। उसके बाद नाउ दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। अब देखते हैं पॉइंट अगला, कैसे लीनियर होगा ये डिवाइस हमें समझना है। पहला, वी गामा फॉर सिलिकॉन जो सबसे ज्यादा यूज होता है, उसके लिए वी गामा इज 0.5 वोल्ट। दिस इज कॉल्ड कटिंग वोल्टेज, दिस इज व्हाट? कटिंग वोल्टेज। अब सबको लगता है ये तो 0.7 होता है, नो, इट इज नॉट अ वीडी, इट इज अ वी गामा। जब सिलिकॉन से रेटेड करंट जाता है, रेटेड, ये है रेटेड करंट, आई रेटेड, तो उसके अक्रॉस जो ड्रॉप आता है वीडी, और वो जो वीडी होता है वो नियरली इक्वल टू होता है 0.7 वोल्ट। आजकल किसी किसी न्यूमेरिकल में देगा 0.6 वोल्ट, तो धीरे धीरे उसके अक्रॉस ड्रॉप कम होता चला जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये है ड्रॉप, वी गामा है कट इन वोल्टेज। कट इन और थ्रेशोल्ड वोल्टेज मीन्स जहां से कंडक्शन स्टार्ट होता है, राइट। दूसरी बात, वी गामा तक जो करंट फ्लो होता है थ्रू डायोड वो होता है ओनली 1% ऑफ रेटेड करंट। 1% ऑफ रेटेड करंट का मतलब है अगर रेटेड करंट 10 मिली एम्पियर है, लेट रेटेड करंट इज 10 मिली एम्पियर, तो व्हेन वीडी इज इक्वल टू वी गामा, तो व्हाट इज द करंट थ्रू द डायोड? ओनली 10% ऑफ 10 मिली एम्पियर।
सॉरी 1% ऑफ 10 मिली एम्पियर, 1% ऑफ 10 मिली एम्पियर मीन्स व्हाट, ओनली 0.1 मिली एम्पियर. तो जस्ट कंडक्शन स्टार्ट हुआ है, जस्ट कंडक्शन स्टार्ट हियर, ये हम लोग शो करते हैं, यहां से दिखा सकते हो आप, ओनली 0.1 मिली एम्पियर और यहां जो है वो है 10 मिली एम्पियर. लेट द रेटेड करेंट, ये आई इधर रेंज होती है मिली एम्पियर में और इधर होती है माइक्रो एम्पियर में. रीजन है नहीं तो इतना जूम दिखेगा नहीं. ये है 0.1 मिली एम्पियर. तो वी गामा इज 0.5 वोल्ट एंड वी डी इज 0.7 वोल्ट. तो वी डी पूरा टोटल जो डायोड के अक्रॉस ड्रॉप आता है जब डायोड फुल कंडक्शन में आता है. इसमें बड़ा लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो कन्फ्यूजन है ना इसको हटाइए और समझिएगा. एक एक चीज में बारीकी से आपको समझाऊंगा इसके बारे में. अब ये तो हो गई एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर आप इसे रिवर्स डायरेक्शन में देखते हैं तो रिवर्स डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होने लगता है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, आई नॉट. आई नॉट इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट. दिस इज इन अ माइक्रो एम्पियर रेंज फॉर जर्मेनियम एंड इन नैनो एम्पियर फॉर व्हाट, सिलिकॉन. ठीक है ना, ये सब हम लोग ईडीसी में पढ़ते हैं. एंड इट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर. तो आई नॉट है, ठीक है ना, आई नॉट इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, राइट. इट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर एंड दैट्स व्हाई हमारे पास फॉर्मूला होता है एट T1 इज गिवन बाय आई नॉट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T 2 टू द पावर T1 माइनस T डिवाइडेड बाय 10. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला. इट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, राइट. लेकिन आप इसे बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन में बस देखेंगे, आप इसके इफेक्ट के बारे में जरूर पढ़ेंगे. लेकिन एक अच्छी बात बताएं, एनालॉग में 99% केस में आई नॉट को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं. हम लोग क्या मान लेते हैं, आई नॉट को नेग्लिजिबल, मतलब आप न्यूमेरिकल में कंसीडर ही नहीं करते. ये ईडीसी में आता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट में. देखिए एनालॉग दो पार्ट में बटा हुआ है, ईडीसी दैट इज कॉल्ड बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा होता है एनालॉग जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डिवाइसेज है, राइट, ट्रांजिस्टर, डायोड, मॉसफेट एंड सो ऑन. 99% केस में आई नॉट को क्या मान लिया जाता है, नेग्लिजिबल. तो आपको परवाह नहीं करनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ लगी है तो क्यों लगी हुई है. बाइसिंग स्टेबलाइजेशन में हम देखेंगे, बार बार हम इसके बारे में बात करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है. आज मैं आपको कुछ बेसिक बातें ही बता रहा हूँ. तो ये हुआ आई नॉट के बारे में, राइट. अब जो डायोड के अक्रॉस जो ड्रॉप है, ये देखिए ये जो ड्रॉप आता है डायोड के अक्रॉस वी गामा, इट इज ऑल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव. तो ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता है डी वी गामा बाई डी टी. इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वी गामा कम होता जाता है. तो यहाँ पे है -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड. इसका मतलब इट हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, राइट. तो वी गामा भी वेरी करता है. किसी किसी बुक में देखोगे, जैसे ये मिलमैन हेल्थकेयर का डेटा है, अगर किसी और बुक में देखोगे जैसे सेंड्रैन स्मिथ तो बोलेगा 2.2 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड. किसी और बुक में लिखा होगा -1.8 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड एंड सो ऑन, किसी न्यूमेरिकल में जो भी दिया होगा. लेकिन आप ध्यान रखिएगा इट इज नेगेटिव. टेम्परेचर के बढ़ने से वी गामा कम होता है और जब वी गामा कम होता है तो डायोड के अक्रॉस भी ड्रॉप कम होता चला जाता है. बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं. रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल हो जाता है, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है और ये टेम्परेचर के बढ़ने से कम हो जाता है. ओके, ये था डायोड, ये है उसकी एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर रिवर्स डायरेक्शन में आप वोल्टेज बढ़ाते चले जाते हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि डायोड क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है. ब्रेक डाउन का मतलब है उस एकदम शॉर्ट सर्किट हो गया, आराम से करंट को जाने देगा इन रिवर्स डायरेक्शन लेकिन उसके अक्रॉस वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहेगा, राइट. इस पे हम लोग दो मैकेनिज्म पढ़ते हैं, एक जेनर मैकेनिज्म और एक एवलांच मैकेनिज्म. समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एवलांची, लैंग्वेज है, इतना बड़ा देश है तो इतनी बड़ी बड़ी भाषा है, तो अपने अपने तरीका है, कोई भी तरीका गलत नहीं है, चलेगा, हम अपने स्टाइल में बोल लेते हैं. तो यहाँ पर जो ब्रेक डाउन वोल्टेज आता है वो VZ, वोल्टेज कॉन्स्टेंट है, करंट तेजी से बढ़ रहा है. जब डायोड फॉरवर्ड बायस है
तो भी इसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट है, लेकिन ये वोल्टेज जो है वो है ओनली 0.7 वोल्ट। और जब डायोड रिवर्स बायस है तो यहाँ जो वीजेड है वो आ सकता है अप्रॉक्सीमेटली 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट, 50 वोल्ट तक जाता है, राइट। तो यहाँ ये है ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके। और इस बिहेवियर से हम बना भी सकते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजेशन सर्किट्स, और देखेंगे वो कैसे बनाते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी यूजफुल डिवाइस। तो जितना ये यूजफुल है उतना ही डिटेल में हमें पढ़ना चाहिए इसे। तो ये है जस्ट एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखते हैं हम इसे लीनियर कैसे बनाते हैं। तो देखिए, हमने वर्ड सुना है लार्ज, दो एनालिसिस होती है, एनालिसिस। आज इसका आप पूरा सर्वे कर लीजिए, क्या मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। एक होती है लार्ज सिग्नल एनालिसिस, लार्ज सिग्नल एनालिसिस, राइट। और एक होती है स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। एक है लार्ज सिग्नल एनालिसिस, एक है स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली लार्ज सिग्नल को बोल दिया जाता है एसी एनालिसिस, स्मॉल सिग्नल को बोल दिया जाता है, सॉरी, लार्ज सिग्नल को बोल दिया जाता है डीसी एनालिसिस, और स्मॉल सिग्नल को बोल दिया जाता है व्हाट, एसी एनालिसिस। लेकिन ये जो दो है ना, डीसी एनालिसिस एंड एसी एनालिसिस वाला कंसेप्ट, यहाँ डीसी यहाँ एसी, ये एम्पलीफायर के केस में काम आता है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप एम्पलीफायर बनाएंगे ना बाय यूजिंग बीजेटी या बाय यूजिंग व्हाट एफईटी, तब आपको देखना है लार्ज सिग्नल एनालिसिस का मतलब है डीसी एनालिसिस, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस का मतलब है एसी एनालिसिस। तो डायोड के केस में क्या है, तो डायोड के केस में हम पहले अगर लार्ज सिग्नल एनालिसिस की बात करते हैं, लार्ज सिग्नल एनालिसिस व्हाट इज द मीनिंग। तो देखिए, अगर आप एक प्रैक्टिकल डायोड ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल डायोड, तो प्रैक्टिकल डायोड को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 0.7 वोल्ट चाहिए, राइट। आपने यहां जो भी वोल्टेज लगाया, अगर ये स्टार्ट हो जाता है, अगर ये सिलिकॉन डायोड है तो इसको मिनिमम कितना वोल्ट चाहिए, 0.7 वोल्ट चाहिए, तब जाकर ये कंडक्शन स्टार्ट करेगा, ठीक। अब मगर अगर आप ध्यान दीजिए, अलग अलग बहुत अच्छे से समझिएगा, तब मैं आपको आइडियल डायोड की तरफ ले जाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि आइडियल कंडीशन कब कंसीडर करनी होती है। उसके बाद बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। अगर इसको एक 0.7 वोल्ट चाहिए, ये तो बात है, बता एक आप ही खुद सोच कर देखो कि चीज़ें आइडियल होती है या प्रैक्टिकल होती है, मतलब आप जो भी सर्किट मार्केट से लाओगे वो आइडियल मिलेगा या प्रैक्टिकल डायोड मिलेगा। अगर आप ढंग से सोचोगे ना तो कोई भी चीज़ आइडियल नहीं मिलेगी। जैसे ही आप कुछ डिवाइस बनाओगे तो चीज़ें क्या होती है, प्रैक्टिकल होती है। तो फिर आप बोलोगे सर 99% में आप आइडियल डायोड क्यों एज्यूम करते हो, 99% केस में हम आइडियल डायोड क्यों एज्यूम करते हैं, तो वही उसका जवाब मैं यहाँ देने वाला हूँ। तो देखिए, अगर आप बात करते हैं प्रैक्टिकल डायोड, तो मिनिमम उसको 0.7 वोल्ट चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ मैंने डीसी वोल्टेज लगा दिया 2 वोल्ट, अब आपने लगाया है 2 वोल्ट, वो लगाया 0.7 वोल्ट, डेफिनेटली इतना तो है कि डायोड को ऑन करवा देगा क्योंकि 0.7 से ज़्यादा है, लेकिन 2 वोल्ट में से कितना उसने ले लिया, 0.7 वोल्ट। तो यहाँ पर आप आइडियल डायोड एज्यूम नहीं कर सकते, राइट। आपके पास 2 वोल्ट था, उसमें से इसने 0.7 ले लिया, तो आर के क्रॉस आने के लिए बचा कितना, 1.3 वोल्ट। आप इसे आइडियल नहीं ले सकते। अगर मान लीजिए आपने यहाँ 10 वोल्ट लिया तब भी ये 0.7 लेगा, तो यहाँ पर आपका वोल्ट कितना आएगा, 9.3 वोल्ट, इज इट क्लियर। और अगर आपने यहाँ 100 वोल्ट ले लिया तो यहाँ आएगा 93 वोल्ट, 99.7 वोल्ट, ध्यान रखिएगा कितना आएगा यहाँ, 99.3 वोल्ट। अब मुझे बताइए आप किससे 2, क्या इस 1.3 को 2 ले सकते हो, नहीं ले सकते। 9.3 को नियरली इक्वल टू 10 ले सकते हो, थोड़ा बहुत बोल सकते हो यस, चलो थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन है। और 99.3 को क्या आप 100 वोल्ट ले सकते हो, बोलोगे ठीक है सर ले लो,
पंडित ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा ठीक लग रहा है, ये लोग है ना ये तो बिल्कुल ही गलत लगेगा। इसका मतलब 2 वोल्ट के केस में मैं डायोड को आइडियल नहीं क्या लेना चाहिए, प्रैक्टिकल लेना चाहिए। 10 वोल्ट के केस में आप आइडियल ले लो, इट विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट एंड आउटपुट इज नियरली इक्वल टू व्हाट 10, और 100 वोल्ट हो तो डेफिनेटली आपको आइडियल ले सकते हो, बहुत ज़्यादा गलती नहीं करोगे आप, क्योंकि 99.3 आ रहा है नियरली इक्वल टू व्हाट 100। तीनों केस में डायोड के अक्रॉस ड्रॉप कितना है, ओनली 0.7 वोल्ट। तीनों के केस में ड्रॉप कितना है, 0.7 वोल्ट कंपैरेटिव टर्म में। मतलब आपका ड्रॉप तो 0.7 ही है, ये आपने एक लाइन खींची, आपने दूसरी लाइन खींची और आपने फिर तीसरी लाइन खींच डाली, बताइए ये है 0.7, ये 1, ये 2 और ये हो गया 3। आप 1 के कंपैरिजन में 0.7 नेग्लिजिबल नहीं है, लेकिन 2 के कंपैरिजन में 0.7 नेग्लिजिबल है थोड़ा बहुत, और 3 के कंपैरिजन है तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, नेग्लेक्टेड। तो सब कुछ कंपैरेटिव टर्म में होता है। अगर इतनी सी बात आपको पता है ना तो आपको छोटे मोटे क्वेश्चंस तो यूं ही बन जाएंगे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एक बात ध्यान रखिएगा जिसको मैं एकदम सिंपल तरीके से बता दूँ। अगर मेरे इस हाथ में 10 रुपये है और इस हाथ में 1 रुपये है तो मेरे पास कितने रुपये हैं, 11 रुपये। लेकिन अगर मेरे हाथ में इस हाथ में 100 रुपये है और इस हाथ में 1 रुपये है तो डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे पास 101 रुपये है, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँगा मेरे पास 100 रुपये है, क्योंकि 100 रुपये के सामने 1 रुपये नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन 10 रुपये के सामने डेफिनेटली 1 रुपये नज़र आ रहा है। और अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि मेरे इस हाथ में 2 रुपये है और इस हाथ में 1 रुपये है, तब तो 100% आप बोलोगे टोटल 3 रुपये है। तो नेग्लेक्ट कहाँ करना है, नेग्लेक्ट चीज़ें कंपैरेटिव टर्म में होती है, हर चीज में कंपैरिजन है। ओके, आपके जो गेट में मार्क्स आने वाले हैं ना वो कंपैरिजन के बेस पर आने वाले हैं। एक टाइम था अगर कोई 60 मार्क्स ला रहा है आउट ऑफ 100, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया था। लेकिन अब अगर कोई 80 लाया ना तो भी उसको कुछ नहीं मिला। इलेक्ट्रिकल वाले दर्द को अच्छे से समझ रहे होंगे, लास्ट टाइम 95 मार्क्स, अगर 95 एंड अबव अगर टॉपर्स के मार्क्स जा रहे हैं और अगर आपके 80 मार्क्स आया या 75 मार्क्स आया तो कोई रैंक नहीं आ रही, राइट? रैंक आ रही है लेकिन उस काम की नहीं है ना। और यही अगर आज से 4 साल पहले अगर आपके 75 मार्क्स आ गए ना तो आप अंडर 20 थे, ठीक है? तो क्या है ये सब कुछ कंपैरेटिव टर्म में चल रहा है, राइट? आज अगर किसी को पूछे कि 12th में 95% है तो यार पढ़ते लिखते नहीं हो क्या, ये स्थिति है, राइट? 95% वाले को भी बोला जा रहा है पढ़ते लिखते हो या नहीं, और हमारे समय में अगर हम 75+ ले आए ना तो पूरे गली में मिठाई बढ़ जाती थी, लिटरली बटी है, उतना ही है भाई, बहुत बड़े टॉपर नहीं है आप, हम जो पढ़ा रहे हैं वो नॉट द टॉपर, राइट? अपनी मेहनत और लगन से अगर आप लगे हुए हो तो एग्जाम्स निकलते हैं, राइट? तो ये मत समझिएगा कि भाई आपको जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत बड़े टॉपर है सर, हवाबाजी करे, नो, पॉसिबल है। तो ध्यान रखिएगा सब कुछ कंपेरेटिव टर्म में है, कौन सा लार्ज सिग्नल है, कौन सा स्मॉल सिग्नल है, कब डायोड को आइडियल लेना है, कब डायोड को प्रैक्टिकल लेना है, वही हमें समझना है, और फिर तो हमें फटाफट न्यूमेरिकल्स बनाने ही है। ये तो पहली बात हो गई। अब देखो कब लार्ज सिग्नल करना है और कब स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करना है, हम समझते हैं। पहली बात करते हैं हम लोग लार्ज सिग्नल एनालिसिस ऑफ डायोड। लार्ज सिग्नल एनालिसिस ऑफ डायोड में ध्यान दीजिएगा, दो बातें हो सकती हैं। ये डायोड है, एक रजिस्टर लगा हुआ है और यहां एक वोल्टेज, आप डीसी वोल्टेज लगा दो, डीसी। नॉर्मली डीसी वोल्टेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 वोल्ट, मतलब 10 वोल्ट या उससे ज़्यादा अगर लगा रहे हो तो आप आइडियल कंडीशन ले सकते हो और लेते ही हैं, या आपको क्वेश्चन में ही बोल दिया एज्यूम आइडियल डायोड तो फिर आपको लेना ही लेना है। ये लार्ज है, लार्ज इस केस में है क्योंकि डायोड को ऑन करने के लिए मिनिमम कितना वोल्ट चाहिए, 0.7, उसके कंपैरिजन में ये लार्ज है। अब अगर इसके अक्रॉस, दिस इज द आर आर, इसके अक्रॉस हम आउटपुट लेना चाहते हैं, मान लीजिए अगर मैं इसके अक्रॉस एक साइनोसॉइडल सिग्नल भी लगा दूं और उस साइनोसॉइडल को मैं लगा रहा हूं 10 sin ωt इन वोल्ट, या मैंने लगा दिया 50 sin ωt,
50 sin ओमेगा टी इन वोल्ट, या हमने लगा दिया 100 sin ओमेगा टी इन वोल्ट, यूनिट इज वोल्ट. दीज ऑल आर लार्ज सिग्नल, दीज ऑल आर व्हाट, लार्ज सिग्नल. देखिए आप एसी है तो भी बोल रहे हो लार्ज, यस. अरे 10 वोल्ट है इसकी पीक वैल्यू और डायोड को चाहिए ओनली 0.7 वोल्ट, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव हाफ में इसे ऑन करवा देगा. 50 sin ओमेगा टी इन अ वोल्ट, तो ये ऑन करवा देगा इसे, सफिशियंट है. 100 sin ओमेगा टी इन अ वोल्ट, दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट, जो आपको मिनिमम कटिंग चाहिए. इसलिए दीज ऑल आर लार्ज सिग्नल, ये लार्ज सिग्नल के एनालिसिस में आएंगे. ओके, तो हम इसके एनालिसिस करेंगे लार्ज सिग्नल. अब आप बोलोगे सर फिर स्मॉल क्या है, तो यस, अगर आप देखो अभी कंपैरेटिव टर्म में समझेगा, ये डायोड है, ये आर है, और आपने यहां एक साइनोसॉइडल सिग्नल लगा दिया 10 sin ओमेगा टी. आप बोलोगे सर अभी तो आपने 10 sin ओमेगा टी समझाया है. यस, नाउ व्हाट इज दिस 10 sin ओमेगा टी, लार्ज और स्मॉल? तो ध्यान दीजिएगा, यहां यूनिट वोल्ट है, दिस इज द वोल्ट, ये वोल्ट में है, और दिस इज द पीक वैल्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन व्हाट, 0.7 वोल्ट. लेकिन यहां जो यूनिट है ना वो मिली वोल्ट है, ओनली मिली वोल्ट. तो व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द इनपुट, वी मैक्स 10 मिली वोल्ट, एंड व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड 0.7 वोल्ट. व्हाट इज द 10 मिली वोल्ट इन वोल्ट, बता सकते हो आप 10 मिली वोल्ट इन अ वोल्ट? सोचिए जरा, आप सिंपल 10 डिवाइडेड बाई 1000 कर दीजिए, 0.01 वोल्ट, 0.01 वोल्ट, एंड दैट इज वेरी वेरी लेस देन 0.7 वोल्ट. ये डायोड को ऑन भी नहीं करवा पाएगा, ये डायोड को ऑन भी नहीं करवा पाएगा. तो इस सर्किट का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है. व्हाट इज द आउटपुट, ऑलवेज जीरो, क्योंकि इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है. और अगर आपने यहाँ आइडियल डायोड एज्यूम कर लिया तो आप तो इसको शॉर्ट सर्किट कर दोगे, और शॉर्ट सर्किट करने के बाद आपका आउटपुट आ जाएगा 10 sin ओमेगा टी इन मिली वोल्ट. ये इस टाइप के अप्रोक्सीमेशन गलत होते हैं, यही आपको ध्यान देना है. छोटी छोटी बातें हैं, यही आपको ध्यान देना है, इस टाइप के अप्रोक्सीमेशन गलत हो जाएंगे, राइट? तो ये है स्मॉल सिग्नल की कैटेगरी में, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस. यहां पर कौन सी एनालिसिस होगी, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस. ये डायोड को ऑन नहीं करवा पाएगा, इसे डायोड को अगर ऑन करवाना है तो इसको किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ेगी, और वहां ये मदद लेगा डीसी की, राइट? और डीसी इसकी हेल्प करेगा मात्र किसे ऑन करवाने के लिए, डायोड को ऑन करवाने के लिए, ठीक है ना? तो ये होता है इंपॉर्टेंट. वहां आप एक वर्ड सुनोगे हॉर्स राइडिंग. हॉर्स राइडिंग का मतलब है अगर एक दीवार बहुत ऊंची है तो लंबा आदमी है तो कूद जाएगा, वहां से जंप कर जाएगा ना वन साइड से दूसरे साइड. लेकिन अगर कोई छोटा है वो कूद नहीं पा रहा है, दीवार बहुत ऊंची है, तो फिर वो क्या करे, वो हॉर्स पे चढ़कर आए, घोड़े पे आए, और घोड़े पे आने के बाद जंप लगा दे तो कूद जाएगा ना. तो वैसे ही स्मॉल सिग्नल, लार्ज सिग्नल तो अपने आप ही डायोड को ऑन करवा लेगा, इसको किसी डीसी की मदद की जरूरत नहीं है. लेकिन स्मॉल सिग्नल को जरूरत पड़ेगी डायोड को ऑन करवाने के लिए, हॉर्स राइडिंग की जरूरत पड़ेगी, तो वो डीसी को लेकर आएगा. और जैसे इसमें डीसी लगा तो डीसी इतना सफिशियंट तो होना चाहिए ना जो इस डायोड को ऑन करवा सके. अब बताइए डीसी बड़ा हो गया, एसी छोटा हो गया, तो ऐसे डायग्राम में दो एनालिसिस होती है, एक डीसी एनालिसिस और एक एसी एनालिसिस, राइट? तो डीसी और एसी एनालिसिस करेंगे तो वहां फिर बोलते हैं हम लोग लार्ज सिग्नल एंड स्मॉल सिग्नल. हियर एसी इज आल्सो लार्ज, तो एसी अपने आप में इतना लार्ज है कि उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती. क्लियर हुआ दो बातें, लार्ज सिग्नल एंड व्हाट, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस. अब हम लोग देखते हैं मॉडल, लार्ज सिग्नल मॉडल ऑफ डायोड. देखिए जरा, लार्ज सिग्नल एनालिसिस ऑफ डायोड.
इसे बोला जाता है पीस वाइज लीनियर मॉडल। पीस वाइज लीनियर मॉडल, ये क्या है पीस वाइज लीनियर मॉडल उसको देखिएगा आप जरा। अगर आप देखें डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है, प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक, जो प्रैक्टिकल डायोड है ये, फिर यहां गया ये ब्रेकडाउन हो गया राइट। अब अगर हम इसे थोड़ा थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लें तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को दो पार्ट में बांट सकते हैं। तो हम पहली एजम्पशन जो ले रहे हैं, फर्स्ट एजम्पशन, आइडियल डायोड, आइडियल डायोड, आइडियल डायोड का मतलब डायोड अगर फॉरवर्ड बायस है, इधर प्लस इधर माइनस, इट मींस डायोड इज फॉरवर्ड बायस, इट विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। तो व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस? जीरो, जीरो। ये पहला। और दूसरा हम इसे लेंगे, अगर डायोड रिवर्स बायस है, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, इट इज इक्वलेंट टू ओपन सर्किट। एंड व्हाट इज द रिवर्स डायरेक्शन रेजिस्टेंस? इनफाइनाइट। तो ये है पहली आइडियल कंडीशन, डायोड एक्ट एज शॉर्ट सर्किट ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस एंड एक्ट एज ओपन सर्किट ड्यूरिंग रिवर्स बायस। 90% क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। सोचिए इतना इजी होने के बावजूद भी हम लोग क्वेश्चन में घूम जाते हैं, तो वही तो हमें समझना है कैसे बनाना है हमें। तो ये हुआ, और ये है पीस वाइज लीनियर मॉडल। आप बोलोगे लीनियर कैसे? यस, आपने दो पार्ट में बांट दिया ना, फॉरवर्ड बायस में इसका रेजिस्टेंस RF है, रिवर्स बायस में इसका डायरेक्शन रेजिस्टेंस फिक्स है, जबकि यहाँ तो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, डायनामिक रेजिस्टेंस है, हर पॉइंट पे आपका रजिस्टर चेंज हो रहा है, लेकिन आपने इसे दो पार्ट में बांट दिया, एक फॉरवर्ड बायस के लिए फिक्स्ड RF और एक रिवर्स बायस के लिए फिक्स्ड RR। तो आपने बोला ना फॉरवर्ड बायस के लिए अलग लीनियर सर्किट, रिवर्स बायस के लिए अलग लीनियर सर्किट, एंड दीज आर नथिंग बट मैथमेटिकल मॉडल्स हैं ये, दीज आर मॉडल्स ऑफ डायोड ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। आप इसको किसी भी सर्किट में यूज कर सकते हो। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स? आप देखेंगे ये आया, ये था ड्रॉप अक्रॉस द डायोड, और ये है करंट थ्रू द डायोड। तो आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हुआ, आप पॉइंट देखिए जरा, ये फॉरवर्ड बायस में करंट बढ़े जा रहा है लेकिन ड्रॉप में कोई चेंज नहीं हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़े जा रहा है लेकिन व्हाट इज द करंट? जीरो। तो ये है वैल्यू, एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल डायोड। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ब्लू लाइन आपको दिख रहा है कि करंट बढ़ा जा रहा है लेकिन ड्रॉप में कोई चेंज नहीं है, इट विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, इधर पूरा ड्रॉप बढ़ते जा रहा है लेकिन उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बिकॉज इट विल एक्ट एज व्हाट? ओपन सर्किट। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल डायोड। तो दो पार्ट में हमने बांट दिया। दूसरा है, देखते हैं डायोड फॉरवर्ड बायस, ड्रॉप इज 0.7, अगर सिलिकॉन है, और अगर जर्मेनियम है तो 0.2, समटाइम्स इट इज 0.3, इट इज कन्वर्टेड इनटू अ बैटरी ऑफ ड्रॉप 0.7 वोल्ट VD फॉर व्हाट? सिलिकॉन। अगर आप जर्मेनियम की बात करेंगे तो समटाइम्स 0.2 वोल्ट और कहीं लिखा होगा 0.3 वोल्ट, इट इज डिपेंड्स जर्मेनियम, नॉर्मली ये यूज होता है सिलिकॉन, 0.7 वोल्ट। अगेन अगर रिवर्स बायस है प्लस माइनस, इट विल एक्ट एज ओपन सर्किट, 99% ओपन सर्किट रिवर्स बायस राइट, अदरवाइज इट इज अ रजिस्टर RR दैट इज इन द रेंज ऑफ मेगा ओम, वेरी हाई रजिस्टेंस। तो नॉर्मली उसे हम ले लेते हैं ओपन सर्किट। तो ये है दूसरा केस। तो दूसरे केस में भी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, तो सीधा सीधा है यस, दिस इज द 0.7 वोल्ट ड्रॉप VD,
उसके बाद तेजी से करंट बढ़ रहा और इसके इधर रिवर्स बायस है एंड दैट्स व्हाई इट एक्ट एज व्हाट ओपन सर्किट. देखिए अगेन पीस वाइज लीनियर मॉडल, ये देख रहे हो आप, ये मैथमेटिकल मॉडल है. यहाँ पर डायोड सिंपल इससे रिप्लेस हो गया बैटरी से और यहाँ डायोड रिप्लेस हो गया एक रजिस्टर से. अब आप आराम से सुपर पोजिशन लगा सकते हो, लेकिन आपको दो अलग अलग रीजन लेने पड़ेंगे, एक फॉरवर्ड बायस और एक व्हाट रिवर्स बायस. तो ये है फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस का केस, फॉरवर्ड बायस एंड व्हाट रिवर्स बायस. तो ये हो गया अगेन मैथमेटिकल मॉडल, सेकंड पेज में आ गया. अब तीसरा जो मॉडल है वो देखिएगा, आपने एक डायोड लिया, प्लस माइनस, अगेन फॉरवर्ड बायस, और ये है प्लस माइनस, दिस इज द रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस एंड व्हाट रिवर्स बायस. यहां हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे एक वी गामा और एक आरएफ से, वी गामा एंड आरएफ से, और यहां ये रिप्लेस हो जाएगा अगेन ओपन सर्किट से, बोल लीजिए. तो आर आर इज इनफाइनाइट और आर आर ले सकते हो एंड दिस इज नथिंग बट मेगा ओम रेंज में, राइट. अब पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यहां अगर ये मेगा ओम की रेंज में है, अगर मैं इस मॉडल को बनाता हूं तो क्या बना सकते हो आप, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान दीजिएगा और इसे फिर प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हम मिलाएंगे. तो पीस वाइज लीनियर मॉडल, अगर आरआर को आप मेगा ओम ले रहे हैं तो ये लाइन देखिए कैसे जा रही है, ये यहां से रिवर्स बायस है, बहुत ही नजदीक से जाते 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 ये यहां जीरो से पास की, ये स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, मैं और इसे स्ट्रेट बना दूं, यस यस यस, ये उसके बाद ये सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा एलिवेटेड है. नाउ दिस इज करंट, दिस इज वोल्टेज, तो व्हाट इज द स्लोप, स्लोप हमेशा होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो यहां हो जाएगा डी आई बाई डी वी, और डी आई बाई डी वी इज नथिंग बट रेजिस्टेंस. तो इतने पोर्शन की जो स्लोप है ना वो 1 बाई आर आर है और इसकी स्लोप है 1 बाई आर एफ, और यहां आ रहा है वी गामा, 1 बाई आर एफ द स्लोप ऑफ दिस सर्किट, 1 बाई आर एफ. ओके, आर एफ इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ फॉरवर्ड बायस डायोड, रेजिस्टेंस ऑफ फॉरवर्ड बायस डायोड, and RR is called resistance of reverse bias diode, right? अब point देखिए, आपका यहां से लेकर यहां तक जब तक input, यहां पर हम लोग बोलते हैं जब तक input जो diode के across लग रहा है, ये है input. When the input is less than or equal to V gamma, diode is off, right? And diode is replaced by what? RR. And when the input is greater than or equal to V gamma, diode is on. And then the diode is replaced by what? V gamma in a series with RF. ये है model. V gamma, that is the cut-in voltage and remaining is what? RF, resistor. अब पॉइंट देखिए, आप बोलते हो सर जब डायोड ऑन होता है तो हम तो उसको रिप्लेस कर देते हैं 0.7 वोल्ट से. यहां जो वी गामा है ना, इट इज नॉट 0.7, व्हाट इज दिस, वी गामा इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, नॉट 0.7, एंड वी गामा इज 0.1 वोल्ट फॉर जर्मेनियम. ये टिपिकल वैल्यूज है, अदरवाइज जैसा आपको क्वेश्चन में दिया हो ना वैसा यूज कीजिए आप, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ वैसा यूज कीजिए, अदरवाइज याद रखिए 0.5 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.1 वोल्ट फॉर जर्मेनियम. इस डायग्राम में समझो, जब फुल कंडक्शन में आ रहा है ट्रांजिस्टर तब क्या होता है, ये देखिए, जैसे यहां पर आपका फ्लो हुआ रेटेड करंट, यहां से यहां तक ये रेटेड करंट, तो यहां रेटेड करंट में आई रेटेड, तब जो ऑलमोस्ट ड्रॉप आ रहा है वो है वीडी,
एंड वी डी इज ग्रेटर देन व्हाट वी गामा, तो वी डी इज ग्रेटर देन वी गामा का मतलब है अब ड्रॉप आ रहा है 0.7 वोल्ट. देन जैसा कि मैंने पहले बताया वी गामा तक बस आपका करंट जाएगा 1% ऑफ रेटेड करंट. ओके तो ये ध्यान दीजिएगा 1% ऑफ रेटेड करंट है और इसे हम प्रॉपरली ड्रॉ कर लें ये. ओके तो दिस इज ऑल्सो अ मॉडल वी गामा एंड आर एफ. तो मैं आपको समझा दूं जब आप डायोड लगा रहे हैं ये आर एल हो गया, यहां आपने वी लगा दिया, दिस इज ग्रेटर देन व्हाट वी गामा, देन डायोड इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट वन आर. V, this is replaced by V gamma and that is replaced by RF और यहाँ से करंट जाएगा I, यहाँ है RL और इस करंट को हम निकालेंगे I is equal to V minus V gamma upon RF plus RL. Then what is the drop across the diode? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो है drop across the diode. तो what is the VD? VD is equal to V gamma plus I into RF. That is the actual. Okay, V gamma plus I into RF. अगर ये V variable है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये V variable है तो current भी variable होगा. If V is variable, then I is also variable, मतलब change हो रहा है. और अगर I variable है तो therefore what about the drop across the diode? It's variable. मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि वो 0.7 पे क्या है, fixed है. हो सकता है अगर जो change या negligible है तो हटा दो, लेकिन अगर उसको consider करना है तो there is some small change, तब ये diagram is useful है. लेकिन अगर suppose यहाँ पर एक constant भी ले लिया आपने, constant कॉन्स्टेंट, तो आई कॉन्स्टेंट तब आप बोलोगे व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस द डायोड, कॉन्स्टेंट तब आप ले लेते हो वी डी इज इक्वल टू व्हाट 0.7 वोल्ट. नॉर्मली डीसी के केस में होता है, डीसी के केस में होगा, लेकिन अगर मान लो यहाँ वेरिएबल डीसी लगा हुआ है या लार्ज एसी सिग्नल लगा हुआ है, लार्ज एसी सिग्नल भी लगता है जो डायोड को क्या करवा सकता है, ऑन करवा सकता है, जैसा कि पैसिव रेक्टिफायर के केस में होता है. दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रेक्टिफायर्स. तो ये जो है ना ये डायग्राम ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये देख लीजिएगा आप, ये है इंपॉर्टेंट डायग्राम. ओके तो ये था इसके बारे में. अब हमने देखो तीन सर्किट पढ़ा, राइट. कंक्लूड कर लेते हैं हम. पहला डायोड का जो सिंपल सा सिंबल बनाते हैं प्लस माइनस फॉरवर्ड बायस, प्लस माइनस रिवर्स बायस, देखते जाते हैं फटाफट इसे. पहली बार में आइडियली शॉर्ट सर्किट, हियर इट एक्ट एज ओपन सर्किट, पहला केस. दूसरा केस हमने देखा था यहां वीडी, अगेन इट एक्ट एज ओपन सर्किट. और तीसरा केस हमने देखा इट इज रिप्लेस्ड बाय वी गामा एंड आरएफ, रिवर्स बायस में नॉर्मली इट एक्ट एज व्हाट ओपन सर्किट. ओके तो ये तीन केस. What are the model? These three, all the three are called piecewise linear model. Piecewise what? Linear model. ये सब के सब linear model है. देखिए आपने diode को कहीं भी अगर VD से replace कर दिया या V gamma RF से replace कर दिया या आपने short circuit से replace कर दिया forward bias को, तो हो गया ना linear circuit. Diode तो circuit से गायब हो गया. तो ये हो गया non-linear device is converted into what? Linear device. ऐसा आपको गेट के इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि डायोड नॉन लीनियर डिवाइस है तो उसे आप लीनियरली कैसे यूज कर रहे हो.
स्मॉल सिग्नल में कैसे यूज़ कर रहे हो, लार्ज सिग्नल में कैसे यूज़ कर रहे हो। चलिए इंटरव्यू तो आप बोलोगे सर पहले एग्ज़ाम तो निकल जाए, ठीक है ना, एग्ज़ाम आपका निकलेगा ये श्योर है, राइट, रिटर्न पक्का निकल रहा है। बस अब केयरफुली आप इस पूरे महीने की वीडियो को प्रॉपर पढ़ते जाइए साथ में। पहली बात, मॉर्निंग में आ रही है नेटवर्क की क्लास, जिसमें मैं पूरा आपको नेटवर्क का KCL, KVL, ट्रांजिएंट वगैरह सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। और उसके बाद इवनिंग में आ रही है एनालॉग की क्लास, टेक्स्ट बुक के हेल्प से टेक्स्ट बुक को कैसे डील किया जाता है ये सब बताते हुए मैं आपकी तैयारी करवाने वाला हूँ। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए ज़रा, ये ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट, तो यहाँ पहला मॉडल हो गया, ये दूसरा मॉडल हो गया और ये तीसरा मॉडल हो गया, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दी। हम पहले लाइन खींच लेते हैं, पहली हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, यहां से ऊपर जा रहा है और ये रिवर्स बायस में इधर आ रहा है, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट। दूसरे हमने देखी थी रिवर्स बायस में यहां आ रहा है और यहां जा रहा है, यहां 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आया था फॉर सिलिकॉन। और तीसरी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, राइट, यहां जाने के बाद जो मैं थोड़ा स्ट्रेट कर रहा हूं, दिस इज वी गामा एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस RF, और नॉर्मली RR को हम ले लेते हैं इनफाइनाइट, तो ये सीधा हो गया वहां से, राइट, एंड दीज ऑल आर पीस वाइज लीनियर मॉडल। फॉरवर्ड बायस में अलग, रिवर्स बायस में अलग डील कीजिए और पूरा लीनियर सर्किट बनाइए और पूरे न्यूमेरिकल डायोड पे सॉल्व करते चले जाइए। 90% क्वेश्चन इस कैरेक्टरिस्टिक्स पर आएगा, राइट, या आया हुआ है। लेकिन एक बात बताओ, 2019 तक क्या हुआ, क्या मैटर करता है, आपको तो 2020 का पेपर देना है, इज इट क्लियर। तो प्रीवियस ईयर से हम एक आइडिया लेते हैं, डायरेक्शन लेते हैं, हम पूरी तरीके से उस पर डिपेंड नहीं हो सकते, हमको अपना भी कुछ लगाना है, राइट, कॉपी तो करना है लेकिन कॉपी में क्या बोलते हैं, नकल में अकल, यस, और अपना पूरा इनपुट देना है उसमें, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर आए थे वो तो ठीक है, उसके साथ साथ क्या, राइट, तो यहाँ इसमें थोड़ा सा मैंने शॉर्ट किया, इसको ओपन करो, अगेन दिस एक्ट एज व्हाट, ओपन सर्किट, RR इज इनफाइनाइट, यहां भी RR इनफाइनाइट, यहां भी RR नॉर्मली इनफाइनाइट ले लेते हैं, बहुत ही रेयर क्वेश्चन में कहीं वैल्यू दी हुई है, अगर वैल्यू दी हुई है तो आप इसका यूज जरूर कीजिएगा, दिस इज द मॉडल, ओके, अदरवाइज दैट दीज आर द बेस्ट, राइट। ये है तीनों डायोड, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट या डायोड या ये। अब हम लोग बनाएंगे प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स ऑन डायोड इन नेक्स्ट क्लास, राइट, और हर इवनिंग पर आपको क्लास आएगी एनालॉग की, आप मेरे साथ साथ चलिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। दिस इज द फर्स्ट क्लास, यहाँ से आप सिलेबस समझिए। बुक्स के बारे में मैंने कहा है, बुक्स अगर आप परचेस कर सकते हो बहुत बढ़िया, मिलमैन हल्कियास, सेड्रा एंड स्मिथ, राइट, दो बुक्स तो होनी ही चाहिए। तीसरी आप पल्स डिजिटल एंड स्विचिंग सर्किट आप अपने लाइब्रेरी में रख भी सकते हैं या आप कहीं और लाइब्रेरी से इशू भी करवा सकते हैं, लेकिन दो बुक आपके पास होनी चाहिए अगर आप गेट जैसा एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो, ठीक है ना, और चाहना है तभी है यहाँ, राइट। तो ये थे इसके बारे में बातचीत। तो हम नेक्स्ट क्लास में कुछ 10-20 न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं डायोड सर्किट पर, ओके, तो आप अपना फीडबैक दीजिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा, राइट, साथ में ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियोस में और क्या चाहते हैं फ्रॉम एनालॉग, राइट, क्या आपको प्रॉब्लम लगती है, किन टॉपिक्स में आपको डर लगता है या किन टॉपिक्स में आप और ज़्यादा डिटेल चाहते हैं, और साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो लगता है कि आपको ये डिस्कस होना चाहिए, राइट, तो वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं, बताइए, हम आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। आप हिट कीजिए बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, ये हमें मोटिवेशन देगा। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और प्लस के बारे में और डिटेल में जाना है तो unacademy.com के प्लेटफॉर्म पर जाइए, वहां डिटेल लीजिए, राइट। और अभी तक आपने मूड बनाया है प्लस ज्वाइन करने का तो
तो आप कोड जरूर यूज कीजिए, दैट इज राठी लाइव, एंड गेट द 10% डिस्काउंट. ओके देन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद न्यूमेरिकल्स फ्रॉम व्हाट डायोड सर्किट. देन तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक यू.